गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू व्लॉग। और सुबह के बज रहे हैं 10, मैं तो उठ चुका हूँ, बाकी सारे सो रहे हैं टोटम की तरह। तो चलो मैं आपको इसका फ्लैट दिखाता हूँ। तो ये है इसका फ्लैट ग्राउंड फ्लोर पे, और अपनी पार्किंग इधर है। अभी रेनोवेट वगैरह इसको करवाना है। ये देखो पावलो की तरह सो रहे हैं, दौड़ जाओ। बाकी तीनों इधर सोए थे, मैं इधर सोया था सोफा कम बेड पे। ये हमारा सारा लगेज फैला पड़ा है। ये हमारा वॉशरूम, वॉशरूम तो साफ सुथरा है वैसे। और ये है हमारा किचन, जहाँ अभी ये शदाब हमारे सबके लिए ऑमलेट वगैरह बनाएगा। तो अब हम फ्रेश वगैरह होके नैनीताल के लिए ही निकलेंगे। और बाकी बढ़िया हो यार, बाकी ये मुझे लग रहा है लेट कर देंगे, क्योंकि सोए भी हम दे लेट ही थे थोड़ा। 6 बजे हम यहाँ पहुँच गए थे। नैनीताल यहाँ से 3 या 4 किलोमीटर दूर है। तो इतनी देर उठाने के बाद एक मेरा यार और उठ चुका है, दो जने। गुड मॉर्निंग गाइस, आओ यार दूसरे को भी उठाते हैं। चलो एक को उठा के आते हैं। एक ग्लास एक यार, पहले इसको उठाओ यार, एक ग्लास ये पड़े। हाँ हाँ, तू बाबूजी आदमी है ना यहाँ, और यहाँ खाने वाने को देगा मैं नहीं देगा, देगा ना? ठीक है चलो। आओ अब इसको उठा। वो मेरी आधा पप्पी लेगा क्या? बढ़िया बढ़िया यार, शादा कुछ नहीं खिला रहा, हड़ताल करनी पड़ेगी मैं यहाँ बैठ के। गुड मॉर्निंग गाइस। चलो एक और उठ चुका है, और शदाब अभी उठ के खाना बनाएगा। खाना नहीं, ब्रेकफास्ट। और उसने बना दिया ये बिग बॉस का घर, कह रहा है मैं ब्रेकफास्ट बनाऊंगा तो तुम बर्तन धोगे। भाई मैं तो नहीं धोऊंगा बर्तन। तो भाई बिग ड्यूटी बांट दे सबकी। अगर इस रहा तो हम तो पड़े आगे रूम वगैरह ले लेंगे, ठीक है ना, कितने अच्छे होटल में। बाकी यहाँ से भाग लेंगे, ज्यादा बैठ ना अपना। चलो पहले उसे भी उठाते हैं हम। चलो जाओ, चल बे उठ जाओ भाई। उड़ गया शराफत से तेरे, एक तो देख लगी हुई है नहीं। तुम भी लेट रहो। अबे भूख लग रही है यार, थोड़ी देर हो बस। तुम एक काम करो, हाँ। इधर दूध की थैली लेकर आओ। साले ऐसा चाटा मारू वो भर के, दूध की थैली लेके आओ। थैली तो बन रही भाई। ओए आमलेट किसी की मोमिन सीरियसली आता ना, तुझे दोनों मिलके बनाएंगे, मुझे आमलेट नहीं आता। ओ गाइस, हाँ तो भैया क्या कह रहा था तू, क्या क्या लेके आओ? ये अंडे ब्रेड हमसे मंगवाने को कह रहा है। यहाँ जो एक मुक्तेश्वर ब्रांड आता है आसिर भाई, बहुत मस्त ब्रेड होता है, और 2 मिनट में मैगी कौन बनाएगा? 2 मिनट में बना देगा। दस लेके आओ एग, लद्दाख में गया दुकान देख तो रहे, पता नहीं कहा इस पाताल में तो तूने फ्लैट ले लिया है वहां पे सामने। अब हम निकल दिए हैं अंडे और ब्रेड की खोज में। तो अब हम ढूंढने निकले हैं अंडे ब्रेड। भाई ये शॉप वगैरह किधर होगी? शॉप वगैरह ब्रेड वगैरह जहाँ मिल जाए मिल जाएगी, अंडे वगैरह मिल जाएंगे, अंडे और दूध। चलो रास्ता तो थोड़ा पथरीला है, बाकी हम एडजस्ट कर रहे हैं। आपको भी दिखाता हूँ थोड़ा सा व्यू। एक दुकान मिल चुकी है, अब यहाँ से हम लेंगे अंकल अंडे वगैरह होंगे, अंडे ब्रेड वगैरह भी है, और मिल्क मिल्क ये सामने है।
तो हमने ले लिया 1 लीटर दूध, क्योंकि हमारे पास फ्रिज वगैरह का कोई इंतज़ाम नहीं है। वो इधर हो जा, कोई कुत्ते बड़े ख़तरनाक लग रहे हैं भाई मुझे। देखो इसमें फोटे का नीचे से दूध की थैली है ना, तो मैंने ऊपर से रख दी। ठीक है ठीक है अंकल, पेटी वगैरह ले रहा हूँ। और क्या तुम बताओ, ब्रेड? हाँ, एक ब्रेड दे दो बड़ी वाली। तो ये हमने अंडे, ब्रेड वगैरह, अब मिल्क आए नीचे। चलो और चलो भाई, हम लिया है फुल तैयारी के साथ। वो बढ़िया भाई, उठ के बना दे यार। अब उठ जा भाई। क्या लिया नकली भाई? ये ब्रिटानिया है, ये ब्रिटानिया, ये देख। तो भाई भुक्तेश्वर ब्रांड बोला था, वो यही मिला, बढ़िया होता। अरे भुक्तेश्वर को कह रहा, मुक्तेश्वर में मिलेगा भाई, इस पर मिल जाता। अबे नहीं है भाई, ब्रिटानिया। और ये हमारे दो लड़के मेहनत करते हुए, ओ भाई मेरी जान। ये तू क्या मेहनत कर रहा है? भाई रिफंड का काम कर रहा है, जो काम करना का है। चुप मेरा भाई। चलो देखो बंदू, यहाँ पे स्पेशल चाय आपके लिए। थैंक यू भाई, थैंक यू। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना आपको। इधर तो ऐसे ही हमारे साथ बने रहोगे या सिर्फ ब्लॉग के साथ। तो फाइनली मेरे दोस्त ने मुझे ब्रेकफास्ट करने के लिए ऑमलेट बना दिया है भाई। थैंक यू यार। वरना मुझे तो लग रहा था यार भूखा ही मरेंगे आज हम। तो ब्रेकफास्ट हो चुका है हमारा बिल्कुल रेडी। चलो भाई स्टार्ट करो। जी नवेद भाई, बिस्मिल्लाह करो भाई। ब्रेकफास्ट इज रेडी। तो भाई अब मैं हो चुका हूँ रेडी, और बाकी मेरे दोस्त भी हो चुके हैं रेडी। मैं भी लगा लेता हूँ यार। चलो नाइस ब्रो। हाँ भाई, लेट्स गो पार्टी। मैंने आपका अपने कॉलेज फ्रेंड से इंट्रो नहीं कराया था अभी तक, तो मैं आपका उनसे इंट्रो करा देता हूँ कि कौन कौन आया मेरे साथ इस ट्रिप पे। ये है मोमिन, मोमिन मलिक। हाँ। ये है खलील, खलील खान, मेरा जिम वाला पार्टनर। और ये है शादाब मलिक, तेली महाकंजूस। ये है नवेद, अपना बल्लू। गाइज हम निकल चुके हैं माल रोड के लिए। पहुंच गए, निकले नहीं, पहुंच गए, सॉरी पहुंच गए, सो गया था मैं, सो गया था। और एक हमारा एक बंदा टट्टी करने गया अभी, थोड़ी देर में आएगा जब हम उसको भी इंट्रो करवाएंगे। थैंक यू। तो गाइज हम नैनीताल पहुंच चुके हैं, और बड़ी किल्लतों के बाद हमें यहाँ पार्किंग भी मिल गई है काफी ऊपर आके। तो काफी क्राउड है आज नैनीताल में, वीकेंड से तो इसलिए कुछ ज्यादा ही क्राउड है। और पार्किंग देख सकते हो आप, बिल्कुल फुल है। और ये भी काफ़ी ऊपर आके हमें मिली है पार्किंग। और अगर कोई आए तो वीकेंड पे बिल्कुल ना आए, वीकडेज में आए, क्योंकि पार्किंग का बहुत इशू है यहाँ पर। तो अब हम आ चुके हैं, कहाँ है होटल का नाम क्या है इसका? दिल्ली से। दिल्ली से होटल में अपनी बिरयानी वगैरह खाने और फ्राई वगैरह बिरयानी खाने और विद शामी कबाब। दो बच्चे तो बड़े हैं ऐसे हैं वो। तो खलील का बच्चा ही है, मैं ही बच्चा ही हूँ, तुम दोनों बड़े बड़े हो। नवेद भाई और खलील, ये दोनों निकल चुके हैं अपनी गर्लफ्रेंड के लिए सामान लेने। और मैं फुकरा इंसान, और दो लड़के हो चुके हैं हमारे चकनाचूर, तो वो इसलिए पार्क में बैठे हुए हैं। और हम आ गए थे, हाँ हम आ गए थे थोड़ी वॉक करने, माल रोड देखने। किधर? ओ नवेद किधर? आइसक्रीम खाएगा? खाएंगे यार, आइसक्रीम का मजा तो हुई है। तू खाएगा भाई आइसक्रीम? खाएगा, इसका आ चुका है बुढ़ापा, ये मना कर रहा है आइसक्रीम खाने के लिए। तो एक बुढ़ापे वाले को हम घर छोड़ के आए, उसे लेके नहीं आए। तो नवेद और मैं खाएंगे आइसक्रीम, कौन सी खाएगा?
तो हम आ चुके हैं अपने होटल में वापस और आज का व्लॉग ख़त्म होता है यहीं पर। कल नए व्लॉग के साथ शुरुआत होगी। ओके टाटा बाय बाय।